चलिए मैं आपको हीना कुमावत फिल्म विंडो पर पूरा डिटेल में बताती हूँ कि जब आप सबकी एंटरटेनर शहनाज गिल स्टेज पर आई तो क्या क्या हुआ। ये तो आप जानते ही हैं कि उन्हें लोगों को एंटरटेन करना कितना पसंद है। लाइव ऑडियंस देखकर वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक्साइट हो गई, यहाँ तक कि बिग बॉस को उन्हें बोलना पड़ा कि आप अपना जर्नी वीडियो देखिए। और क्या क्या हुआ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जब शहनाज गिल का जर्नी वीडियो दिखाया गया तो उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया, उसमें गौतम गुलाटी और कार्तिक को भी शामिल किया गया। जी हाँ, उनके जर्नी वीडियो में, यानी कि शहनाज गिल का जो जर्नी वीडियो है वो पूरा एंटरटेनिंग वीडियो बनाया गया। येलो ड्रेस पहना हुआ है शहनाज ने भी, और मैं आपको बताती हूँ कि आज के स्पेशल डे के दिन आरती ने भी येलो ड्रेस पहनी है, शहनाज ने भी येलो ड्रेस पहनी है, और रश्मि देसाई भी येलो ड्रेस पहने हुए आपको नजर आएंगी। तो वो स्टेज पर जब आ रही होती है तो स्टेज पर आते आते वो गिरते गिरते बच जाती हैं, और जो है वो इतनी एक्साइटेड होती हैं लाइव ऑडियंस को देखकर, उनको लगता है कि ऐसा पोडियम बनाया गया है और स्टेयर है। तो बिग बॉस के घर से ये लोग सब आ रहे हैं और उस स्टेयर पर चढ़ रहे हैं और एक पोडियम है उस पर जा रहे हैं, और सामने बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगाया है, स्क्रीन और पीछे ऑडियंस है। तो आप सोचिए, वो नज़ारा इतना अच्छा है, ऑडियंस है स्टेज पर, कंटेस्टेंट है, और उसके ऊपर जो है प्रोजेक्टर है जहाँ पर आप अपना जर्नी वीडियो देख रहे हैं। तो वो ऑडियंस को देखकर एकदम भागने लग जाती हैं और गिरते गिरते रह जाती हैं, और उसके बाद जो है वो जब स्टेज पर जाती हैं तो उनका जब जर्नी वीडियो दिखाया जाता है तो ऑडियंस चिल्ला रही होती है, शहनाज शहनाज सिद्धार्थ है, तब भी शहनाज शहनाज चिल्ला रही थी ऑडियंस। तो वो जो है ऑडियंस को देखने लगती है, और बिग बॉस जो बोलते हैं कि सना तुम अपना पहले जर्नी वीडियो देख लो, यानी कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का समय मिलेगा लेकिन पहले जर्नी वीडियो तो देख लो जिस पर जो है कलर्स की टीम ने इतनी मेहनत की है। तो वो जो है जर्नी वीडियो देखती हैं, और जब वो स्टेज पर आती है तो मैं आपको बताती हूँ वो सबको देखकर जो जोर से हंसने लग जाती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे हंसी आ रही है। तो जहाँ सब इमोशनल हो रहे थे वहीं शहनाज जब आती है वो जोर जोर से पहले हंसने लग जाती हैं। फिर बार बार बिग बॉस उसे बोलते हैं कि सना पहले अपना वीडियो देख लो। उसमें जो है गौतम गुलाटी, कार्तिक आर्यन की जो किसेस थी, खासकर गौतम गुलाटी वाली किस, उसको हाईलाइट किया गया है। और उसके बाद जो है ऑडियंस शहनाज शहनाज चलाती है, और इसके बाद जो है सब उनको बोलते हैं कि आप जो है बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट एंटरटेनिंग रही है, ये रही हैं, और उसके बाद उनको रिक्वेस्ट की जाती है। तो सना जो है वहाँ पर एक पंजाबी गीत गाती हैं सबको एंटरटेन करने के लिए, और सारी ऑडियंस बहुत खुश हो जाती है। तो ये पूरा जर्नी वीडियो जो है शूट किया है, और उसके बिग बॉस जो है फिर देखने के बाद सना थोड़ी इमोशनल होती है। तो बिग बॉस बोलते हैं कि सना आपने जो है इस पूरे सीज़न में लोगों को एंटरटेन किया है, ये सीज़न आपके नाम पर याद रखा जाएगा। शहनाज की जोड़ी जो है इस सीज़न की सबसे खूबसूरत जोड़ी बनकर निकली है। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट सना को मिलते हैं, और कल भी आपको याद होगा जब वो रजत शर्मा के सामने हॉट सीट पर बैठी थी तो उनकी कितनी तारीफ हुई थी, ईमानदारी की, जिस तरह से उन्होंने एंटरटेनमेंट के साथ जवाब दिए थे। सभी कंटेस्टेंट बहुत अच्छे थे, लेकिन ये वीडियो मैं खाली शहनाज के लिए बना रही हूँ इसलिए उनका जिक्र कर रही हूँ। तो आप कितने एक्साइटेड हैं उनको देखने के लिए, जहाँ बाकी लोगों की जर्नी में उनके उतार चढ़ाव डाले गए ना, वहाँ शहनाज की जर्नी में सिद्धार्थ, गौतम गुलाटी और ये सब डाला गया, उनका फ्लिप मारना, पूरा एंटरटेनिंग वीडियो बनाया गया है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं उनका वीडियो देखने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।